बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना हमीद और आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि आप ही लोग जो हैं वो आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह घर, तो अब हमने आप ही के साथ भी जो है वो बीच पे जाना था। पहले जब हम गए थे तो मैं और खान अकेले ही गए थे, खान सब हम दोनों अकेले ही गए थे, लेकिन ये कि अब आप ही लोग आ गए थे तो इसलिए हम सब इकट्ठे गए दुकान बीच पे, और बहुत हमें मज़ा आया। लेकिन ये कि वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी और बहुत ज़्यादा शोर था, जिसकी वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अगर मैं वॉइस ओवर ना करती तो हवा का जो है वो काफ़ी शोर था, तो इसलिए आपको आवाज़ ना आती, इसलिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो काफ़ी पानी जो है यहाँ पे ठंडा भी था, हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, तो इसलिए पानी भी काफ़ी ठंडा था। और बच्चों को जो है ना पानी से निकल के तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि हवा थी। तो बस इसलिए फिर हम थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रुके और उसके बाद जो है हम घर वापस आ गए थे। तो आप भी देखिए और इन्जॉय कीजिए। फिलहाल डर रहा है, वापस आ रहा है। हाँ बहुत तेज है, लहरें बहुत तेज है ना। उसके बाद फिर हम रात को जो है वो हॉस्पिटल गए। तो ये आपको ग्रीन जो निशान नज़र आ रहा है कतर में जहाँ हॉस्पिटल्स होते हैं उनके ऊपर ये ग्रीन निशान लगा होता है, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे हॉस्पिटल है, ये वाला हॉस्पिटल है। तो बस मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो जिसकी वजह से वो डॉक्टर के पास आए थे चेकअप करवाने के लिए, लेकिन ये कि डॉक्टर ने बड़े हॉस्पिटल का रिकमेंड कर दिया था, वाकरा वाले हॉस्पिटल का, तो हम वाकरा वाले हॉस्पिटल में गए। तो ये मेरे हस्बैंड यहाँ पर लेटे हुए हैं और हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो हार्ट पेशेंट है, इसलिए उनको छोटा सा भी जो प्रॉब्लम होता है तो उसको जो है ना काफ़ी गहराई से डॉक्टर जो है वो देखते हैं। तो ज़्यादा मसला तो कोई नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस उनको एक पिंपल था जिसका जो है वो छोटा सा ऑपरेशन करना था उन्होंने, लेकिन ये कि हार्ट पेशेंट वालों के लिए जो है थोड़ी सी भी तकलीफ जो है वो बढ़ जाती है खुदा ना खौस्ता, तो इसलिए उनको जो है वो मैं हॉस्पिटल ले गई थी कि आप जो है वो पहले डॉक्टर को चेक करवा लें, उसके बाद जो है इसका ऑपरेशन करवा लीजिएगा। तो बस इसलिए यहाँ पे हम सारी रात हॉस्पिटल में बैठे, तो काफ़ी उनके टेस्ट वगैरह किए, कोविड का भी और ब्लड टेस्ट और ईसीजी वगैरह सब कुछ उन्होंने किया। और उसके बाद जो है काफ़ी मैं थक गई थी सारी रात बैठ बैठ के, और सुबह जो है वो बोल रहे थे कि इसका सुबह ऑपरेशन होगा, तो लेकिन ये कि यहाँ पे अलाव भी नहीं था, तो इसलिए सुबह जो है वो मैं अपने घर चली गई थी। मुझे भाई लेने के लिए आ गए थे तो मैं घर चली गई थी,
और 3-4 बजे तकरीबन इनका जाके ऑपरेशन हुआ था। फिर इनको एक दिन रखा गया था यहाँ पे। तो बस ये मैं रूम की थोड़ी सी वीडियो आपको बना के दिखा रही हूँ, और उसके बाद फिर जो है मैं अपने घर वापस आ गई थी। Previous operation? No. This first operation. Before you have operation, aside from the heart. ECG. No. Stomach mafi. Cholesterol. Appendicitis. Gallbladder. Knee bones mafi. Huh? This first. तो ये थी मेरी आज की वीडियो। तो यहाँ पे मैं जो है वो अपने घर वापस जा रही हूँ, मुझे भाई लेने के लिए आ गए थे। तो आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।